आज बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी चटपटा और बेसन से बनने वाला लंच बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक कटोरी बेसन, साथ में इसमें डाल देंगे 3 चम्मच दही। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। बैटर हमें बहुत थिन नहीं रखना है, मीडियम रखना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए रखते बिल्कुल वैसा, तो थोड़े से थिक साइड में रखें क्योंकि हम इसको स्टीम करने वाले हैं। अभी हम इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करने वाले हैं, पहले हम इसका बैटर बनाएंगे जिससे कि इसकी जो भी लम्स वगैरह हैं, गुठलियाँ वगैरह हैं, वो फूट जाएं और बेसन जो है बहुत अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए बैटर बहुत अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हैं, बिल्कुल भी इसमें लम्स या गुठलियाँ नहीं हैं। आप चाहें तो इस बैटर को थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ग्रीन चटनी की पेस्ट भी डाल सकते हैं, थोड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने वाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, तो जब बैटर को आप बनाने लगे तब आप इसमें डाल दें नमक, साथ में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी और नमक डालने से इसमें बढ़िया सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा सा बैलेंस करके ही डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे साइड में जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और ये थोड़ा सा फूल भी जाए। अब बैटर हमारा जो है अच्छे से फूल गया है, ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करना है इसको, थोड़ी देर ही रखें आप रेस्ट करने के लिए। तो अब इसको फुलाने के लिए इसमें डाल देंगे हम इनो, तो इनो हम डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच के लगभग। अगर आप एक सैसे ले रहे हैं तो हाफ सैसे का इस्तेमाल करें, अगर आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी आप इसको हाफ टी स्पून के ही लगभग लें, इसे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है हमको। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिससे कि जल्दी से एक्टिवेट हो जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी भी टिन में आप तेल ग्रीस करके लगा दें या स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो स्टीमर प्लेट होती है ना उसका इस्तेमाल करके भी आप इसे बना सकते हैं और उसमें आप अच्छे से इसको स्टीम कर सकते हैं। तो मिक्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है, इनो डालते ही ये काफ़ी थोड़ा थिक हो जाएगा, साथ ही आप ये देखिए एकदम सा फूल जाएगा, ऐसा ही हमको चाहिए इसे, इससे ही ये जालीदार और स्पंजी बनता है। यहाँ पर हमने केक टिन को पहले से ही ग्रीस कर लिया है, अब सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। जालियाँ बहुत अच्छे से बनी हैं, इसको बिल्कुल भी क्रैक नहीं करना है हमको, जल्दी से स्टीमर को स्टीम कर लेंगे या किसी कढ़ाई में जिसमें आपको इसको स्टीम करना हो, और ये 10 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चिली जो पाउडर होता है वो अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऊपर से लगा सकते हैं या फिर धनिया आप ऐसे छिड़क सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर हमने डाला है जिससे कि हल्का सा इसमें टेस्ट आ जाए और ये देखने में भी सुंदर लगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें डाल देंगे एक कटोरी। जब ये अच्छे से पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे हमारा केक टिन और इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर ना स्टीम करें, नहीं तो क्या होगा कभी कभी ये कच्चा रह जाता है। और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको चेक करिए चाकू लगा कर कि ये कच्चा तो नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है, 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। अब इसमें बीच में हम चाकू या फिर कोई भी टूथपिक लगा कर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अब इसे निकाल लेंगे बाहर और अच्छे से ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। तो आप इसको बाहर निकाल लें, बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया है, साइड के स्क्रेचेस निकाल दें इसके, इससे ये बहुत ही स्मूथली बाहर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्ट इसको डिमोल्ड कर देते हैं तो बीच से ये टूट जाता है। तो आप इसको अच्छे से सभी तरफ से निकाल दें और इसको ये देखिए बहुत ही ईजिली अपने आप ही निकल जाएगा बाहर। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे क्योंकि लंच बॉक्स के हिसाब से हम इसको पैक करने वाले हैं, तो मैंने इसे बिल्कुल बाइट साइड में रखे हैं। आप भी इनको इसी तरह से छोटे छोटे रखें, अगर आप बड़े पीसेस रखना चाहते हैं तो ये आपका मन है, क्योंकि लंच बॉक्स बहुत जल्दी से भर जाता है ना इसलिए। तो ये देखिए पीसेस एकदम तैयार है। अब इसको हल्का सा हम सौते करेंगे जिससे कि थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसके लिए पैन में ले ले 2 छोटी चम्मच में तेल, साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ी से राई के दाने,
थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जीरा और करी पत्ते। तो तड़का आपके हिसाब से है, आप इसमें कैसा लगाना चाहते हैं, मिर्च डालना चाहते हैं, प्याज डालना चाहते हैं, मसाले डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें क्रैकर हो जाएंगी तब हम इसमें डाल देंगे हमारे ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से खमन और इसको अच्छा सा हम सॉटे कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ से हल्का क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा इसका स्वाद आता है। आप उस इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चे फिर उसको पूरा अलग अलग कर देते हैं। और इस तरह की अलग चीज़ें डाल दो ना तो फिर बच्चे टिफ़िन भी बॉक्स भी ख़त्म नहीं करके आते, तो मैंने नहीं डाला है। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो थोड़ा सा ऊपर से नारियल भी आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स के साथ भी आप इसे सॉटे कर सकते हैं, मैंने इन्हें एकदम प्लेन ही रखा है। ये बढ़िया सा इसमें कलर आने लगा है, ये देखिए। लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया, तो इससे और भी रिफ्रेशिंग आ जाती है। तो बढ़िया सा हमारा लंच बॉक्स हो गया है तैयार, इसे पैक कर लेते हैं। तो इन्हें मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, जिसकी चटनी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर रखिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।